या अली मदद। अलवाइज अबू अली, वाइज नंबर 27। छोटे छोटे जो गुनाह हम आम बोलते हैं, उन गुनाहों के अंदर बड़ी अच्छी नसीहत की चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग ध्यान देते नहीं गुनाहों पे, इसके लिए हमें समझ नहीं आती। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो, मोमिन अल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। सैयदा इमाम बेगम, हमारे इमाम मौलाना शाह हसन अली सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में हुई, ये गिनान इमाम बेगम का है। पीर हसन कबीर दीन की औलाद में से थी। पीर हसन कबीर दीन की औलाद में से बहुत से ऐसे सैयद हुए जिन्होंने दावत का काम बहुत किया। इनमें एक सैयदा इमाम बेगम थी, इन्होंने तकरीबन 30 गिनान लिखे। हमारे पास इनके 10 गिनान किताबों में हैं, जो बॉम्बे में रहने वाले थे या आप में से जो बंबई को जानते हैं, हमारा पुराना नाम करीमाबाद का कांडी मोहल्ला, कानी मोहल्ला से बाहर निकलो राइट साइड पे तो भिंडी बाजार है। भिंडी बाजार से हम नल बाजार जाएं, नजदीक ही है, वहां मार्केट है। मार्केट के सामने अभी भी एक बिल्डिंग खड़ी है, उस बिल्डिंग का नाम है दोपहलिया बिल्डिंग। सैयदा इमाम बेगम इस दोपहलिया बिल्डिंग में रहती थी। 1866 में उनकी वफात हुई। काफी बड़ी उम्र भी पाई, उन्होंने सारी जिंदगी शादी नहीं की। सारी जिंदगी इमाम की खिदमत में, दीन की दावत में उन्होंने गुजार दी। उन्होंने हिंदुस्तान उस जमाने के अंदर जो हिंदुस्तान था, पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था, यानी वो हिंदुस्तान जो था वो कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा हिंदुस्तान था। सारा हिंदुस्तान सैयदा इमाम बेगम घूमी, खुद अच्छी तरह से गाने वाली भी थी और सितार भी बजाती थी। उनके जितने भी गिनान हैं बड़े अच्छे मीठे रागों में हैं। बड़ी अच्छी आबिदा थी, इबादत करने वाली थी। 4-5 गिनान तो इबादत के ऊपर भी हैं, सुबह के जिक्र के ऊपर। सैयदा इमाम बेगम जब दोपहलिया बिल्डिंग में आके रही, उनकी जिंदगी के आखिरी साल थे, काफी बूढ़ी हो गई थी। 10-1 बजे के करीब कानी मोहल्ले में चली आवे और यहां जमात खाने के अंदर बैठ के गिनान बोलें, नसीहत करें। मर्द लोग अपने अपने काम पे चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, और बहुत सी औरतें जिनको मजहब का शौक था वो अपने घरों से निकल के इसके पास आके बैठे हैं, सत्संग करें। होते 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 ये मजमा बड़ा हो गया। बाज औरतें उनके पास अपने प्रॉब्लम्स लेके आवें, उनको एक बुजुर्गाना मां की तरह नसीहत भी करें। मजमा बड़ा हो गया। जिसको मजहब का शौक होता है फिर वो मजहब के अंदर रंगा जाता है। दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे शौक हैं। बाज आदमियों को संगीत का शौक पैदा हो जाता है, म्यूजिक का, तो फिर वो घर वालों से झगड़े भी होते हैं, परवाह नहीं करता, वो संगीत में लगा रहता है। किसी को जुआ खेलने का कोई ऐसा शौक पैदा हो जाता है, मैं तो उसको कहता हूं लत लग जाती है, तो फिर किसी की नसीहत नहीं सुनता।
शराब की आदत इन लत लग जाती है या सिगरेट की, तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। मतलब यह है कि इंसान के अंदर एक ऐसी खासियत है कि उसके दिमाग को जिस चीज का कोई शौक लग जाए तो फिर वो उस शौक के पीछे एक दीवाने की तरह जाता है। मजहब का शौक भी लगभग ऐसा है, लेकिन हम इस्माइलियों को हमारे इमामों ने बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर रखा और हमको हमेशा यह नसीहत करते रहे कि दुनिया के फराइज भी पूरे करो, दीन के फराइज भी पूरे करो। यूं नहीं कि अपनी दुनिया बिगाड़ के दीन ही के हो जाओ, क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो हमारे दीन का एक हिस्सा है। हमारी दुनिया हमारे दीन का एक हिस्सा है। अगर कोई आदमी बाप बना है तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो अपने बच्चों का रूहानी जिस्मानी दिमागी मास्टर बन गया। बाप है उसको अपने बच्चों का ख्याल भी करना चाहिए और बच्चों को बाप का ख्याल करना चाहिए। औरत मर्द के ताल्लुकात हैं तो मर्द को औरत का हक रखना चाहिए, औरत को मर्द का हक रखना चाहिए। भाई बहन हैं तो एक दूसरे को भाई और बहन जैसा हक रखना चाहिए। अगर किसी की नौकरी करते हो तो सेठ का हक भी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अदा करो, और अगर तुमने किसी को नौकर रखा है तो उसके साथ भी इंसाफ से रहो, जुल्म मत करो किसी भी तरीके से। अपनी रोजी भी कमाओ, खुदा को भी याद करो। हां, जिंदगी में कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि अगर हम दुनिया लेने जाते हैं तो दीन छूट जाता है, और अगर दीन लेने जाते हैं तो दुनिया छूट जाती है। जब ऐसा कोई मौका खुदा न करे आ जाए, और हर इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका एक दो चार दफा आ जाता है कि दीन और दुनिया एक दूसरे के सामने दुश्मन होकर खड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त हिम्मत करके दुनिया छोड़ दो, दीन के हो जाओ। खसूसी एक ऐसा वक्त आवे तो ही, वगरना अपनी दुनिया संभालो, जरूर संभालो। दार सलाम के अंदर मौला 66 के अंदर आए, 1966 की बात करता हूं, मेहमानियों का काम जारी था। एक भाई आए, उसके साथ उसकी बीवी थी, बच्चे थे। हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहता है मौला मैं इंजन ड्राइवर हूं। मां बाप बहुत खुश हुए, कहते मौला मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या है? कि खुदावन मैं 15 दिन रात की ड्यूटी पे होता हूं, सारी रात इंजन चलाता हूं, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 15 दिन मैं दिन की ड्यूटी पे होता हूं, तो मौला जब मैं रात की ड्यूटी पे होता हूं तो मेरा सारा ध्यान इंजन के अंदर होता है, रेल के ट्रैक के ऊपर होता है, क्योंकि मुसाफर 400-500 मुसाफर होते हैं, उनकी सारी जिंदगियों का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मुझे इस बात की बहुत कॉन्शियसनेस है। लेकिन खुदावंद उस वक्त मैं दुआ पढ़ नहीं सकता ध्यान से, और कभी मेरी सुबह की ड्यूटी होती है जिसमें 3-4 बजे का वक्त आ जाता है, तो खुदावंद मैं उस वक्त इबादत नहीं कर सकता। क्यों? कि मेरी सारी जिम्मेदारी इंजन में होती है। मां बाप ने उसके कंधे पे हाथ रखा, फरमाया शाबाश, तुमको इस बात की कॉन्शियसनेस है अपनी जिम्मेदारी की, मैं बहुत खुश हुआ हूं। तो तुम अपनी जिम्मेदारी को समझते हो। मेरे बच्चे, जब भी तेरी ड्यूटी रात को होवे और दुआ का वक्त होवे तो तुम अपने मन में दुआ के वक्त को याद कर लो, मुझे याद कर लो, और फिर जब किसी नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर तुझे 2-5 मिनट मिल जाए उस वक्त दुआ पढ़ लो। लेकिन दुआ के वक्त दुआ को याद कर लो, मुझे याद कर लो। और सुबह जब 3-4 बजे तुम्हारी ड्यूटी होती है, बैतुल ख्याल में नहीं आ सकते, तो उस वक्त भी ऐसा ही करो अपने दिल के अंदर। भले तुम्हारा ध्यान न लगे लेकिन दिल में अपने बोल को याद करते रहो। इमाम ने उसको इस तरह से फरमाया, उसका मतलब अपनी दुनिया संभालो, दुनिया के अंदर अच्छे बनो,
हर लिहाज से अच्छे बनवा। मैं वापस रिपीट करके कहता हूं कि हमारा इस्माइली मजहब जो है ये सच्चा सही इस्लाम है। हमें यह कहा गया है कि दुनिया में भी हर हिसाब से अच्छे बनो कि कोई तुम्हारे कैरेक्टर की तरफ उंगली ना उठाए, कोई तुम्हें इल्जाम ना देवे कि तुम बदमाश हो या खराब हो खुदा न खास्ता। क्योंकि दुनिया की जिंदगी भी हमको हमारे मौला ने दी है। सैयदा इमाम बेगम 10 बजे के करीब आ जाएं और औरतें इसके पास आके बैठे, इधर राज नसीहत हो गए गिनंक बाले। बंबई की लाइफ ऐसी है कि जो लोग सुबह 9 बजे चले जाते हैं अपने ऑफिसों के अंदर या दुकानों पे, वो दोपहर को खाने के लिए नहीं आते। औरतें उनके लिए खाना पकाती हैं और चंद आदमी ऐसे हैं कि जो इधर से एक टिफिन बना के, तो ये टिफिन कैरियर जो होते हैं ये घरों के अंदर टिफिन इकट्ठे करके और ऑफिसों के अंदर दे आते हैं। शाम को वो लोग खा पी लेते हैं, टिफिन वाला टिफिन खाली वापस ले आता है और वो लोग कोई शाम को आता है कोई रात को आता है। सैयदा इमाम बेगम के इस मजहबी इदारे के अंदर जो उन्होंने शुरू किया, औरतें आके बैठी, ऐसी इन लोगों को लज्जत लगी कि घरों में देरी होने लगी, खाना पकाना देरी होने लगा, बच्चे स्कूल चले गए हैं उनको खाना वक्त पे नहीं मिल रहा, मर्द लोग अपने कामों पे ऑफिसों दुकानों पे गए हैं उनको खाना नहीं मिल रहा, क्योंकि सुबह सुबह खाना पकाने 11 बजे तैयार करके टिफिन वालों को दे देवे तब जाके उनको मिले, घरों में झगड़े शुरू हो गए। औरत कहे मैं थोड़ी कहीं और जाती हूं, जमात खाने जाती हूं, इबादत करने जाती हूं, अच्छी बातें सुनने जाती हूं। झगड़े बढ़ने लगे आहिस्ता आहिस्ता। ये खबर इमाम मौलाना शाहसन अली माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि के कान में पहुंची। पीरी जमा अली शाह माँ बाप के पास था। पी सलामत ने हसन अली शाह माँ बाप अपने वालिद साहब से अर्ज की, खुदावंद काली मोहल्ला जमात खाने में आए, शातिर दोनों आए, कमरिया हाजी उनके साथ थे। मौला ने सैयदा इमाम बेगम को सामने बुलाया और उनको फरमाया मुझे ये बात मालूम पड़ी है कि इस तरह तुम ये गिनन गोष्ठी या जिसको कहो सत्संग करती हो बुरी चीज नहीं, लेकिन तरीका ठीक नहीं, तुम वाड़ी चली जाओ। वाणी जो नस्मित रोड के ऊपर जहां उस वक्त जमाने के अंदर मौला रहते थे, हुक्म किया कि तुम वाणी चले जाओ। भले खुदा, अभी इसने कुछ सिलसिला शुरू किया था। सैयदा इमाम बेगम की यहां जरा गलती हो गई, सच्ची मोमन थी, पीरसन कबीर दिन की औलाद में से थी। लेकिन दीनदारों, दुनिया के अंदर हम बहुत दफा खता खा जाते हैं, हम इंसान हैं। दूसरे दिन जो गुज़श्ता दिन की उनकी जो महफिल में एक खास स्टोरी या एक फीचर जो अधूरा रह गया था, इमाम बेगम ने यह सोचा कि मैं इसको पूरा करके फिर मैं वाड़ी चली जाऊं। मौला तो शाम को जब ही चले गए तो दूसरे दिन ये फिर आई, इसको नहीं आना चाहिए था। अगर इमाम ने हुक्म किया तो उसी रात को चले जाना चाहिए था, लेकिन इससे जरा चूक हो गई। बदनीयती के हिसाब से नहीं, बेईमानी के हिसाब से नहीं, मैं इस हिसाब से कि मैंने आज सुबह जो एक खास बात शुरू की थी वो अधूरी रह गई कि नान की, कल मैं पूरी करके चली जाऊं। दूसरे दिन न गई, कुछ औरतें आईं कुछ ना आईं, इसने वो बात शुरू की लेकिन फिर भी वो बात पूरी ना हो सकी। तो तीसरे दिन भी आई, मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने फरमान भेजा कि इमाम बेगम के गिनान बंद करो और उसका जमात खाना बंद करो। तब रोई पीटी, फौरन वाड़ी चली गई, अली शाह माँ बाप के पांव पड़ी। 40 दिन तक उसका जमात खाना बंद रहा और उसके गिनान बंद रहे। तौबा की, माफी मांगी, इमाम ने फरमाया अच्छा
जमात खाने जाओ, जमात को कहा इसके गिनान भी बोलो। सईदा इमाम बेगम की इन गिनानों में से ये एक गिनान है जो हम स्कूल में सीखते हैं। ये गिनान उस वक्त बोला, एक दफा मौलाना हसन अली शाहबाब बहुत वक्त तक जमात खाने नहीं आए, बहुत वक्त तक नहीं आए, तकरीबन 3-4 महीने गुजर गए, एक ही शहर में रहते थे। और मौला की ये एक आदत थी कि हर जुमे या हफ्ते के दिन जमात खाने में आते थे। 3-1 महीने गुजर गए और फिर जब मौला आए तो सैयद इमाम बेगम ने मौला के हुजूर में ये गिनान बोला। इमाम उस पर राजी हुए, दुआ फरमाई, आए रहम रहमान अब तो रहम करेंगे। यहां आप लोग पढ़ते हो करोगे, करोगे नहीं, मौला आए हैं, रहम और रहमान आया है, ये रहम करेंगे। आए रहम रहमान अब तो रहम करेंगे, तन मन धन गुरन अर्पण कीजे तो गिनाने गिनाने गिनान अब तो रहम करेंगे। इमाम के हुजूर में एक गिनान बोला कि मौला रहम और रहमान आया है, रहम करेंगे, तुम अपना तन मन धन इसके पांव में रख दो और ये चीज समझ के, ज्ञान यानी समझ से तुम इस बात की कॉन्शियसनेस पाओ, इस अवेयरनेस के अंदर तुम अपना तन मन धन इसके पांव में रख दो, समझ के कि ये मेरा मालिक है, मेरा इमाम है। और इस माली मजहब के अंदर जो बयत है उसका मतलब यही है, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट सबमिशन। कुरान पाक के अंदर बहुत से इस किस्म की आयात है जिनके अंदर यह फरमान है, ऐ मोहम्मद जब तलक के ये तुम्हें कंप्लीट सबमिट नहीं होवे, यानी मुकम्मल तौर पे खुद को नहीं सुपुर्द करें, तब तलक इनका ईमान सलामत नहीं। कंप्लीट सबमिशन जो है वह यही है, तन मन धन। इस्माइली मजहब जो इस्लाम है इसके अंदर किसी भी तरीके की जबरदस्ती नहीं, किसी भी तरीके की नहीं, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। अगर हमको इस्माइली मजहब से अपने दिल के अंदर कोई खुनूस है यानी कीना है, हम अपने इस्माइली मजहब को अच्छा नहीं समझते, तो हमको इस बात की इजाजत है कि कोई भी मजहब पालो, लाजिम नहीं है कि इस्माइली मजहब में रहो। एक मुसलमान होके ईसाई भी बन जाता है, इस्माइली होके सुन्नी भी बन जाता है, और सुन्नी जो हैं वो दूसरे मजहबों में भी चले जाते हैं, दूसरे मजहब वाले मुसलमान बन जाते हैं। मजहब की तब्दीली कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि मजहब है वो कन्विक्शन के ऊपर है, अपने अकीदे और ईमान के ऊपर है। जब तक के दिल के अंदर एतकाद बराबर नहीं, मजहब में से हमें कुछ नहीं मिल सकता। हमारा एतकाद बराबर हो तो मजहब में से हमें मजा आए। दुआ पढ़ी है, पढ़ी है, बुद्ध की तरह बैठे हैं, पढ़ाने वाले ने सजदा किया, हमने भी सिर नीचे कर दिया, पढ़ाने वाले ने हाथ दे के पंजा दिया, शाजो दीदार का हमने भी दे दिया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, अगर सर का ऊंचा नीचा करने का नाम सजदा है तो अरे मोमिनो, दुनिया के अंदर मौला कहते हैं एक मुर्गी हजारों दफा सर पटकती है, तो मुर्गी के तो कितने सजदे हो गए दिन में,
सर झुकाने का ही नाम अगर सजदा है तो मुर्गी तो हमारे से ज्यादा सजदे करती है, वो तो बड़ी मुसलमान होगी। वो सजदा कि जिसमें हमें समझ नहीं कि मैं ये सर झुकाता हूं इमाम के चरणों में, इमाम की खिदमत के अंदर, जिसको मैंने अपना तन मन धन दे दिया है, जिसकी मैंने बायत की है और मैंने वादा किया है कि तू मेरा इमाम है, मैं तेरा मुरीद हूं, अगर ये समझ के बगैर हम सर झुका रहे हैं तो हमने अपना वक्त जाया किया है। मजहब समझदारी का नाम है। तन मन धन गुरु ने अर्पण कीजिए, सबमिट कर दो, और इस चीज को गिनाने गिनाने गिनान, यानी गिनान का मतलब समझदारी से, इलम से, समझ के, जान के, बेसोचे समझे। इमाम की हमें शनाखत ही नहीं और हम इमाम को इमाम कह रहे हैं। जिंदारो, इस तरह से हमारी जिंदगी यूं ही पसार हो रही है। मौलाना इमाम सुल्तान महमूद के एक और फरमान में है कि तुमने अभी तक बादाम खाया ही नहीं, उसके छिलके खाते हो, मग़्ज़ चखा ही नहीं। इस्माइली मजहब का मग़्ज़ जो है वो हकीकती समझ है, इल्म से, समझदारी से, इमाम की शनाख्त करके, उसको सोच के, समझ के, जान के। तेरे जानी ने तुम्हें ओड़खो, जानो फिर पहचानो, श्रेय वो यही दयाल, उस रहीम की खिदमत करो। दयाल कहते हैं रहीम को। हरता फरता बोलता रूप मदन गोपाल, परता का पात्र ने परखी ने। ये हिलने चलने बोलने खाने पीने वाला एक इंसान जो हमको दिखता है, जिसको हम आगा खान कहते हैं, हम उसको इमाम कहते हैं, और मोहब्बत के अंदर हम उसको खुदा का नूर कहते हैं, और इबादत में हम उसको अल्लाह कहते हैं। बदन की कोई बात ही नहीं, जैसा दर्जा। एक छोटे बच्चे को, डेढ़ दो बरस का बच्चा है, उसको पूछो तेरे बाप का नाम क्या, तो उसको नहीं पता। बाबा किधर है, तो फलाना डैड इधर है, बाप ये है। उसको बाप की तरफ उंगली करना आता है लेकिन वो बाप का नाम नहीं जानता। तो क्या वो बाप का बेटा नहीं, क्या वो बाप उसका बाप नहीं? उस बेचारे की समझ इतनी है, उसने इतनी रखी, चलो थोड़ा बड़ा हो गया तो बाप का नाम भी सीख गया। स्कूल जाते वक्त कहा मैं फलां का बेटा हूं, लेकिन बाप किसको कहते हैं वो अभी तक भी उसको पता नहीं। बाप का नाम जानता है लेकिन बाप का मतलब क्या, उसको ये नहीं मालूम कि मैं इस बाप के नुतफे से पैदा हुआ हूं, उसको नहीं पता। जब जवान होता है फिर उसको पता लगता है कि मैं बाप के नुतफे से पैदा हुआ। अभी तक भी उसको बाप की हकीकत का पता नहीं लगा, लेकिन जब वो शादी करके खुद बाप बनता है तब उसको समझ आती है कि बाप क्या है। कितने दर्जे हैं एक ही चीज के लिए। मजहब में भी यही है। मजहब में वो लोग हैं कि जो महज जमात खाने आते हैं टाइम गुजारने के लिए। जमात खाना नहीं समझो, मस्जिद, मंदिर, कोई भी चर्च वगैरह ले लो, दुनिया में जितने भी मजहब हैं उन मजहबों के अंदर अपने अपने मजहब की जगहों पे जाने वाले मेजोरिटी वो लोग हैं जिनको अपने मजहब का पता नहीं। हम भी ऐसे हैं, जमात खाने में आ जाते हैं या किसी को लेके आते हैं, माँ बाप को, या हम किसी को मिलने आते हैं, या यूं तो समझते हैं कि चलो हम जमात खाने जाएं, चले आते हैं। लेकिन इमाम कौन है, इमामत क्या है, हकीकत क्या है, मारिफत क्या है, उसका हमें पता नहीं। तो हमारे में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो इमाम को महज लीडर के तौर पे, इमाम के तौर पे, जैसे कि दुनिया के अंदर सुनियों के इमाम होते हैं, झिकड़ा है, इस तरह से हमने भी समझ लिया। ऐसे इस्माइली बहुत हैं, ऐसे इस्माइली भी हैं कि जो खुदा को मानते ही नहीं लेकिन जमात खाने आते हैं। काफिर हैं, मुल्हिद हैं लेकिन जमात खाने आते हैं, क्योंकि वो एक सोसाइटी के अंदर रहना चाहते हैं। उनके दिलों में ईमान नहीं, खुदा की हस्ती से ही उन्हें इनकार है कि खुदा जैसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को इस्माइली कहलाते हैं, हालांकि वो काफिर हैं।
हालांकि वो मुलहिद हैं, एथिस्ट हैं, जिस तरह से ये कम्युनिस्ट लोग हैं, लेकिन जमात खाने आते हैं। इस्माइली मजहब की फैमिली में उन्होंने जन्म लिया है, इसलिए चले आते हैं। आओ, हमें इनकार नहीं, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ हैं। हमारे यहां बाद ऐसे लोग हैं कि जो इमाम को अपना वादा देके यानी बयत करके उसको अल्लाह का नूर समझते हैं। हर एक के दर्जे की हालत है। मैं दो बरस पहले आया था, आपको मैंने बहुत सी वायदे की, एक महीना आपके पास में ठहरा, मैंने जिक्र किया था एक दफा। बंबई में एक अच्छी बड़ी फैमिली का एक शख्स जो था, फैमिली का हेड था, गुजर गया। बड़े लड़के को स्कूल छोड़नी पड़ी बाप का बिजनेस संभालने के लिए। एक छोटा भाई था, बिजनेस तो इसने संभाल लिया, भाई को पढ़ाता रहा। मोहम्मद इस्माइली फैमिली थी, पैसे वाले शख्स थे, इज्जत वाले, आबरू वाले, नामचीन मशहूर लोग थे। बेटा थोड़ा छोटा भाई बड़ा हुआ, उसको उसने इंग्लैंड भेज दिया। इसने बाप का बिजनेस संभाला, छोटे भाई को कहा कि तुम जाओ पढ़ो, मैं तो नहीं पढ़ सका। 10-12 बरस बहुत सार सा उधर गुजार के वो इंग्लैंड से वापस आया, बाप के बिजनेस में भाई के साथ ज्वाइन हुआ, लेकिन इंग्लैंड में रहा था। जिंदगी और जवानी के काफी वर्ष वहां गुजारे थे। खतरनाक से खतरनाक जो इंसान की जिंदगी है वो 10 बरस से लेकर 25 बरस तक, ये पीरियड बहुत खतरनाक है। इसी पीरियड के अंदर बदियां लग जाती हैं, कोई ड्रग पीता है, कोई तंबाकू खाता पीता है, स्मोक करता है, कोई शराब पीता है, कोई और जना और दूसरी खराबियों बदियों में फंस जाता है, कोई जुए में फंस जाता है। 10 और 25 बरस ये जिंदगी बड़ी खराब है। 10-12 साल का बच्चा जब होता है और उसको थोड़ी थोड़ी समझ आती है तो अपने दिल में फखर करता है, मैं जो जानता हूं मेरा बाप बुढ़ा क्या जानता है। बहुत से ऐसे लड़के हैं, टीनेजर्स जो हैं वो अपने बाप को मखौल समझते हैं, बाप की बेइज्जती करते हैं, अपने दिल में बाप को हल्का समझते हैं, खुद को बड़ा समझते हैं। उनकी आंख कब खुलेगी? जब वो 50-40 बरस के हो जाएंगे, तब तक उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं। तो ये जो खतरनाक पीरियड इसने लंदन में गुजारा, वापस आया, ख्यालात बदले हुए थे। और वो जमाने के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के घोड़े भागते थे डर्बी के अंदर, मौला रेसिस में जाते थे, मोंटे कार्लो जाते थे, बड़ी बड़ी होटलों में जाते थे, रिस जैसी होटल के अंदर कॉन्फ्रेंसें होती थी। उसको तो इस इमाम के अंदर एक ऑर्डिनरी मामूली सा एक पॉलिटिकल आदमी नजर आया। अच्छी फैमिली का लड़का था, वापस आया, मां बड़ी मोमना थी, भाई मोमन था। अमूमन घर में बैठे हुए भाभी के साथ, मां के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ बहसें होती रहें, तुमको क्या पता? साहब उधर जाके पता तुम्हें क्या करते हैं? घोड़े भगाते हैं। अब वो जमाने के अंदर घोड़ दौड़ को हम लोग समझते नहीं थे, और आम मुसलमान मौलवी भी हमारे ऊपर अटैक करते थे, खसूसन वो मौलवी के जो कांग्रेस के पिट्ठू थे। इसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर इंडिया का पॉलिटिक्स है। काजी आजम मोहम्मद अली जिन्ना खुद कांग्रेस के मेंबर थे, उसमें से निकल के फिर मुस्लिम लीग में आए। कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े बड़े मुसलमान उलेमा थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो कांग्रेस के जमाने के अंदर प्रेसिडेंट थे। तो ये देवबंद के मुल्ला मौलवी जो थे, कट्टर मौलवी, वो लोग कांग्रेसी थे, पॉलिटिक्स के हिसाब से मुस्लिम लीगियों को बुरा समझते थे और इमाम मुस्लिम लीग को पैदा करने वाले थे, पॉलिटिक्स का जरिया भी था। तो कहते तुम्हारा इमाम तो घोड़े भगाता है और मडमों के साथ शादी करता है। मडम का मतलब यूरोपियन औरत, बंबई की जबान में यूरोपियन औरत को मडम कहते हैं, जो लफ्ज निकला है मैडम में से। मालूम नहीं कि घोड़े तो हजरत रसूलुल्लाह भी दौड़ाया करते थे। घोड़ों की जो रेस है वो रसूलुल्लाह के जमाने में से चली। यूरोप वाले तो उस वक्त जंगली थे, 1400 बरस पहले यूरोप के अंदर कोई संस्कृति और सिविलाइजेशन नहीं थी। एक आदमी ने लिखा है,
जोक में लिखा है। वो कहता है कि वी वर सिविलाइज व्हेन यू पीपल यानी यूरोपियंस को कहते आने के दिन आधी छुट्टी बनाया करते थे, मदीना बंद हो जाता था, मुसलमान कारोबार बंद कर देते थे, जुमे की नमाज के बाद कोई काम नहीं करता था, खाना पीना खा के नबी करीम बाहर जाते थे, मदीने के बाहर कोई घोड़ा ले आता है, कोई अपना ऊंट ले आता है, कोई बकरा ले आता है, बकरों की रेस होती थी, ऊंटों की रेस होती थी, घोड़ों की रेस होती थी, और जीतने वालों को रसूलुल्लाह इनाम दिया करते थे। ये घोड़ों की रेस यूरोपियन ने शुरू नहीं की है, तो नबी ने शुरू की है, मगर लोगों को इनाम का पता नहीं। इसके लिए जब भी हमारे मजहब के लिए, हमारे इमाम के लिए कोई आदमी कोई अटैक कर देता है, हम भीगी बिल्ली की तरह दुम पीछे दबा के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें इलम नहीं। तुम लोग सीखो, पढ़ो, इलम सीखो, तो दुश्मनों का मुंह बंद करने के लिए हमारे पास बेहिसाब चीजें हैं, बेहिसाब। मगर हमारे जवानों को डिस्को का जितना शौक है, उतना गिनान और इलम पढ़ने का शौक नहीं। बहसें होती रहे। इस आदमी का ईमान तो खराब था ही, लेकिन अच्छे मोमन तुखम में से था। दसवंदी सुकरीती आबिद मोमन जमात खाने में आने वाले फैमिली में से था। दिल डामा डोल रहे, माँ बाप की मोहब्बत और इबादत इसको जमात खाने की तरफ खींचे, लेकिन यूरोप का रहना और वो मॉडर्न थिंकिंग इसको दुनिया की तरफ खींचे। खूब बैसे हुए। एक दफा मौला की पधरामनी हुई, इन्होंने मेहमानी रखी। मेहमानी में ये आदमी मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मुंशी आके आराम से बैठे। इसको देख के बोला, तुम यूरोप में थे? हाँ खुदावंद। कभी वापस आए? बातें चीतें करते रहे। साहब ने इसके साथ इस तरह से बातें की कि इसने समझा कि यानी मेरा कोई दोस्त है। एकदम खुला हो गया। दो चार पांच मिनट के अंदर कहता, यो है ना, मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो पूछो, क्या है? जरा हिचकचाने लगा। बड़े भाई ने आंखें निकाली, माँ की आंखों में आंसू आ गए कि अभी कुछ ऐसी बेईमानी की, कोई बेअदबी की बात कर देगा। जरा हिचकचा। साहब ने इसको हाथ लगा के कहा, पूछो पूछो, डरो मत, खुले दिल से पूछो। साहब ने इसको थोड़ा थपथपाया तो कहने लगा, योर हाइनेस, मेरा भाई है ना, वो कहता है आप खुदा हो। क्या आप खुदा हो? मौलाना सुल्तान मुझसे बहुत हंसे, शर्मिंदा हो गया। तुम क्या समझते हो? उसको छोड़ दिया। अब ये फिर परेशान हो गया, क्या बोले? हाँ बोलो बोलो, तुम क्या समझते हो? खुले दिल से बोलो, डरो मत। हिचकिचाते 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 कहता है, मैं आपको अपना इमाम समझता हूँ, यू आर माई इमाम। शाबाश, वेरी गुड, बराबर है, मैं तुम्हारा इमाम हूँ। इसको थोड़ा जोर आ गया, भाई की तरफ टेढ़ी नजर करके देखने लगा। भाई ने कहा, खुदावन, ये आपको इमाम मानता है, हम भी इमाम मानते हैं, लेकिन खुदावन, हम तो आपको नूरानी हालत में खुदा मानते हैं। बराबर है, बराबर है, शाबाश, अलबत अलबत। ये फिर परेशान हो गया कि ये उसको वो जवाब दिया है, मेरे को ये जवाब दिया है, ये दोनों में सच्चा कौन है? कहते हैं, हाइनेस, आई कांट अंडरस्टैंड। माँ बाप ने उसकी मां की तरफ उंगली करके कहा, ये तेरी कौन है? मेरी मां है। तुम इसके बेटे हो? यस। ये कौन है? ये मेरा भाई है। तुम इसके भाई हो? ये खुदा। ये कौन है? ये मेरी भाभी है। तो तुम इसके देवर हो? अच्छी खुदा। तुम्हारी वाइफ है? नहीं सर, मैंने शादी नहीं की। लेकिन तुमने शादी की हो गए तो तुम अपनी वाइफ के क्या हो? मैं उसका हस्बैंड, शोहर हूं। देखो तुम तो एक हो,
तुम एक आदमी हो, इसके तुम बेटे हो, इसके तुम भाई हो, इसके तुम देवर हो, और कभी तुम्हारी वाइफ हो गए तो उसके तुम शोहर हो, तुम हो तो एक, ये सब के सब जुदे जुदे क्यों रिश्ते हुए? सोचने पड़ा, डीप थिंकिंग में पड़ गया, जवाब ना दे सका। माँ बाप ने उसकी गाइडेंस की, सब फरमाया, देखो हमको दुनिया के अंदर बहुत से लोग पॉलिटिशियन मानते हैं, कोई हमको बड़ा आदमी समझता है, कोई हमको पैसे वाला समझता है, कोई हमको लीडर समझता है, कोई हमको पीर समझता है, तुम्हारी तरह हमको कोई इमाम समझता है, और वल्लाह ये हमको खुदा समझता है। जो आदमी जैसा हमको समझता है उसके लिए हम ऐसा है। अगर मुझे पीर तरीके मेरे साथ तुम रिश्तेदारी करते हो तो मैं तुम्हारा पीर हूं, और अगर तुमने मेरे साथ बड़े आदमी जैसी दोस्ती करके रिश्तेदारी की तो तुम्हारे लिए मैं बड़ा आदमी हूं। कभी तुमने मुझको इमाम समझ के मेरे साथ रिश्तेदारी की तो मैं तुम्हारा इमाम हूं। वल्लाह कभी तुम मुझको खुदा समझते हो तो मैं तुम्हारे लिए खुदा हूं। बात क्या है? बात हमारे अंदर है। वो हिंदू पत्थर को खुदा समझते हैं, भले वो गलत तरीके के ऊपर है हमारी नजरों में, मगर उनके अंदर जो एतकाद है वो असल चीज है। असल चीज एतकाद है। अगर तुम ये कह डालो कि खुदा है ही नहीं तो ये बात गलत है। ये बात इसलिए गलत है कि एक ऐसी सुप्रीम पावर तो जरूर है कि जो सारी सृष्टि को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को चला रही है। एक सुप्रीम पावर जरूर है, यही समझ लो। कभी तुम अपनी मर्जी से पैदा हुए थे? तुमको पूछा गया कि तुम पैदा होने वाले होगे? तुम अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं हुए, तो कोई ऐसी सुप्रीम फोर्स है कि जिसने तुमको पैदा किया। और मौत भी जब आएगी, भले वो एक नेचुरल फेनोमिना प्रोसेस है, मगर वो प्रोसेस घड़ने वाली भी कोई सुप्रीम पावर तो है। क्यों कोई आदमी अपनी मर्जी से मरना नहीं चाहता? और लाइफ के अंदर ऐसी कितनी हकीकतें आती हैं कि जिसके अंदर हम मजबूर हो जाते हैं, मेहनत करने के बावजूद, स्ट्रगल करने के बावजूद भी हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। कोई चीज हमें रोक रही है या कोई चीज हमें फोर्स से आगे भेज रही है। खुदा की हस्ती जरूर है, खुदा बाहर नहीं रहता, अंदर रहता है। मौलाना हज़रत इमाम का जो बाहर का शरीर और बदन है वो बाहर है, मगर उसका जो नूर है वो अंदर है। तो इमाम जो है, जिस तरह का हमारे दिल के अंदर उसके लिए एतकाद है, इस तरह हम हैं। पत्थर को पूजना, जाओ पत्थर को पूजो, कोई बात नहीं। तो ये इलम और समझ हमें होनी चाहिए। इसी इलम और समझ के ऊपर, जैसा मैंने आपको कभी कभी वाइजों में कहा भी है और हमेशा कहता हूं कि दीनदारों, दुनिया की जिंदगी के अंदर जो हालत में आप हो, बाप हो, बेटे हो, भाई हो, शोहर हो, बीवी हो, कोई भी हालत में जो है, अपनी तमाम हर एक हालत में सच्चे बनो, प्योर बनो, सिंसियर बनो, दयानदार बनो। यह है गिनान। तो यहां सैयदा इमाम बेगम कहती हैं कि अपना तन और मन और धन तुमने इमाम को बयत में दे दिया और ये सोच समझ के दिया है, अब उसकी ताबेदारी करो। उसके लिए जान की कुर्बानी करनी पड़े तो तन दे दो, मन की कुर्बानी करे तो मन दे दो, धन की कुर्बानी करनी पड़े तो धन दे दो, क्योंकि तुमने अपना सब कुछ उसको सौंप दिया है। दाना सखावत हर दम कीजिए, दाना सखावत हर दम कीजिए, तो दाने दाने दान अब तो रहम करेंगे। जो कुछ तुम दुनिया में कमाते हो उसके अंदर दान दो और सखावत करो। हर दम
दाने दाने दान, यानी जो सखावत है उसके बहुत से तरीके हैं, बहुत सी शक्लें हैं। तुम्हारी कमाई में से या जो कुछ तुम्हारा है, सिर्फ पैसा नहीं, तुम्हारा वक्त भी, पैसे में से दान दो यानी सखावत करो, चैरिटी करो, वक्त की भी चैरिटी करो, बदन की भी चैरिटी होती है। बदन के ऊपर इमाम का हक हो गया है, मगर उसने दुनिया के अंदर मियां बीवी बाल बच्चे जो हैं, तो हमारा वक्त बाल बच्चों में जाता है, हमारा वक्त और हमारे बदन की जो कुछ भी ताकतें हैं वो पड़ोसी के पास भी हैं, जहां हम कामकाज करते हैं वहां भी हैं। तो उसके अंदर से वक्त, पैसा या बदन की कोई भी मेहनत वगैरह अगर हम दूसरों के लिए करते हैं, जिसमें मुझे कोई भी पर्सनल जाती उसमें नफा की ख्वाहिश ना हो, मेरी नियत ना हो, तो वो चीज सखावत में आती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू हुरैरा जैसे आदमी, मैंने आपको एक दफा कहा था कि अबू हुरैरा, उसकी हदीसें बहुत हैं, उसकी बहुत हदीसें, मोस्टली मेजोरिटी हदीसें अबू हुरैरा की जो है ना वो फोक है, कुछ भी नहीं, खाक है, लेकिन बाज हदीसें उसकी अच्छी हैं। और ये हदीसें इसलिए कि रसूलुल्लाह फरमाया, जो हदीसें मेरी कुरान के साथ टैली होती हूँ मैं वो मानना। तीन बरस रहे हजरत अबू हुरैरा रसूलुल्लाह के पास और उन्होंने 5000 से ज्यादा हदीसें कह दी, इतने तो दिन भी नहीं हुए। तो अबू हुरैरा की एक हदीस है, एक दिन रसूल को पूछा, बिल्कुल गरीब शख्स थे, फकीर थे, कि या नबी, आपने सखावत के लिए आवाज फरमाया, मेरे पास तो कुछ नहीं, तो क्या मैं सखावत से महरूम रह गया? फरमाया, नहीं, तुम किसी को रास्ता दिखा दो भूले हुए आदमी को, तो ये भी